चाय और इतर बन रहे हैं साथ में आज एक एक परांठा। तो अभी बार तो अभी हम लोग सिर्फ नाश्ता करेंगे, वैदिक और रोहन गए हैं नहाने और हम लोग नाश्ता करके जाएंगे आज वैदिक का इंजेक्शन लगवाने, क्योंकि उसको 1.5 महीना ऊपर हो गया है, तो उसका एक 1.5 साल वाला जो इंजेक्शन होता है वो लगना है। तो आज देखते हैं हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, पता करते हैं कोई डिस्पेंसरी मिल जाए तो वो अच्छा है, नहीं तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ बेबीज़ के जो रहते हैं वहाँ पर आज वैदिक का इंजेक्शन लगवा के आएंगे। तो अभी चलते हैं, पहले वैदिक को रेडी करते हैं। क्या बात हुई, कहाँ जाना आज तुम्हें? इंजेक्शन लगवाने जाना है और तुम इतना रो क्यों रहे हो? लटाएं क्यों खिंडा रखी है? छुई लगी कि वैदिक कैसे रोएगा? तो हम यहाँ पे वैदिक को थोड़ा सा तैयार किया, कपड़े पड़े वैदिक के चेंज कर दिए, पर वैदिक देखो क्या करा है। वैदिक क्या पोटी तो नहीं कर दोगे भाई तुम? अरे अरे वाह, डांस कर रहा है, डांस। गर्ल तो बस हम लोग अभी निकल ही रहे थे, लेकिन अभी रोहन की एक मीटिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब हाँ 15-20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, इस वजह से हम लोग बैठे हैं अभी। कैसी चलेंगे थोड़ी देर में? अभी तो इंजेक्शन लगा भी नहीं है भाई। वैदिक कितने बड़े हैं? पहले पैर पे लगा, हाथ पे ही। वैदिक देख, देख मम्मा 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 का। हाय गाइस, तो वैदिक अभी इंजेक्शन लगवा रहा है, ये 1 2 3 4 बस हो भी गया। नो, रगड़ना नहीं। अच्छा कोई बात नहीं बच्चा, कितने सारे आ गए। कोई बात नहीं बच्चा, चलो अभी हो गया है हमारा लंच टाइम, तो वैदिक अभी सो गया है और आज बनी है चने उड़द की दाल चावल, इधर थोड़ी दही थी आज रात, मैंने दही नहीं जमाई तो बहुत ज़रा सी रोहन खा लेंगे। ये मैंने अपने लिए आज काफ़ी दिनों बाद शक्कर थोड़ी सी ली है, बड़े दिन से मन कर रहा था मेरा शक्कर चावल खाने का, तो वो तो बस अभी वैदिक को दवाई थोड़ी सी दवाई दी और उसको सुना दिया है, करते हैं लंच और थोड़ी देर हम लोग भी आज रेस्ट करते हैं, काफ़ी दिन हो गए दिन में सोए हुए, आज मैं तो सोना चाहती हूँ फिलहाल, तो खाना खाते हैं और सोते हैं। तो वैदिक अभी सो के उठा है और ये थोड़ा सा रो रहा है, थोड़ा सा खुश है, रो इसलिए रहा है क्योंकि इसके हो रहा है पैर में बहुत ज़्यादा दर्द। अभी मैंने इसको थोड़ा सा बर्फ़ लगाया, पर बर्फ़ लगाने से तो ये और ज़्यादा रो रहा है। हाँ दर्द हो रहा है। तो हमसे ज्यादा तो इसको बात करनी होती है आजकल। दर्द है। और कितनी देर की मीटिंग है? कितनी देर की मीटिंग हो गया? तो रोहन लेकर आए अभी गर्मा गर्म चाय, रस नहीं है उसमें, और रोहन इधर डांस कर रहे हैं, मोटे लग रहे हो बस करते हुए थोड़े से। यार ना रोहन, वैदिक उबासी लेगा, वाओ मेरा पजामे से पड़ा है। तो वैदिक के ना यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द है, जैसे कोई हाथ भी लगा रहा है ना तो ये तुरंत उसको हटा दे रहा है। हाँ गलत इंजेक्शन लगा दिया भाई, हिसार में तो बहुत बढ़िया लगते थे ना मेरे बच्चे को, कभी दर्द भी नहीं हुआ। हाँ सही नहीं थी वो डॉक्टर, नहीं हमारी नहीं, पर ये रोएगा अभी देखो, ऐसे करेंगे ना इसको तो कुछ नहीं बोलेगा, अब अगर मैं यहाँ करूँगी ना तुरंत हटा देगा। दर्द है मेरे बच्चे को। ओ मेरा बेबी ठीक हो जाएगा एक बार में। दर्द है ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं। वैदिक को बहुत दर्द है बेचारे का, तो इसको बहलाने के लिए वाओ।
वैदिक को बॉल बहुत ज्यादा पसंद है भाई। हंस भी रहा है और देखो आंसू भी आ रहे बेचारे के, रो भी रहा है हंस भी रहा है। नोजी भी आ गई थी वैदिक को, वैदिक की छोटी सी नोजी में। वैदिक को कभी इतना शांत देखा है किसी ने? नहीं मेरा बच्चा रे, इसके बहुत ज्यादा दर्द है और इस चक्कर में ये इतना ज्यादा शांत है कि ना ठीक से बैठ रहा है ना बस। अब ऐसा लेट गया ना तो ये ऐसा ही लेटा रहेगा, खुद से बैठेगा नहीं। बीमार है मेरा बेबी, बीमार तो नहीं है भाई, बस पैर में दर्द कर दिया डॉक्टर ने आज से ना। हाँ लाओ लाओ लाओ, चलो देख लो, वैदिक के लिए अभी बनाई है खिचड़ी, तो वैदिक को खिचड़ी देते हैं। अरे मेरा पारा बच्चा रे। तो सर की तबीयत अभी नहीं ठीक हो पाई, देखो रो रो के इसकी नाक भी लाल हो गई बेचारे की। जैसा लेटा है ना बस वैसे ही लेटा रहेगा, कुछ कर लो चाहे, पर ये बैठेगा नहीं खुद से, मतलब इतना दर्द है मेरे बच्चे को। आज अभी रोहन गए हैं थोड़ी सी दवाई लेने, पाया तो बुखार भी हो रहा है।